नमस्कार बच्चों, आज से एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, परिभाषा देखो। उपसर्ग जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि वो शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़कर या उनसे आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उनमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्न चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? संस्कृत उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अवयव। आप देखो, संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत में मुख्यतः 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22। संस्कृत में 22 उपसर्ग है और इनमें से लगभग सभी उपसर्ग हिंदी में भी काम आते हैं। जैसे अति उपसर्ग लगाने से अत्यधिक, यानी कि अधिक से पहले अति उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, अत्यधिक। अतिरिक्त, रिक्त से पहले अति जुड़ गया, अतिरिक्त। अतिशय, इसी प्रकार अधि, अधिकार, अधिकृत, अधिकरण। अपि, अपिधान, अपिनद। अभी से अभिमान, अभिराम, अभिनव। अनु से अनुकरण, अनुगामी, अनुचर। अप से अपियस, अपव्यय, अपमानी। कितने हो गए? 6। इसी प्रकार कितने हैं? 22 हैं, जो मैं आपको आगे लिखवाऊंगी। 6 तो हमारे हो गए। आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अवयव। तो हम पढ़ रहे हैं कौन से? संस्कृत के उपसर्ग। 6 तक हमने पढ़ लिया था, अति, अधि, अपि, अभि, अनु और अप। अब है औ। औ से क्या बन गया? अवरोध, अवगत, अवतरण, ठीक है। इसी प्रकार आकार, आजन्म, आजीवन, उत, उत्कर्ष, उत्थान, उत्पन्न, उपहार, उपवास, दुर्लभ, दुर्गम, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, दुर्जन, दुर्गुण, कुछ भी लिख लो। दुस्साहस, दुष्कर्म, निरोग, नियोग, निवास। इस प्रकार नी से बहुत सारे बन जाते हैं।
निदान नियम निराकार निर्दोष निर्धन पराजय पराकर्म परामर्श परिवार परिधान प्रति प्रतिक्षण प्रतिफल प्रतिकार प्रबल। तो इस प्रकार जो संस्कृत के हैं कितने हैं 22 हैं। तो आपको ये इस तरह से लिख रहे हैं बाईस आपको लिखने हैं प्र तक हो गए निश्चय निसंतान निश्चल संग्राम ठीक है सुशेष सुयोग सुपुत्र सुक्रम सुकृत सुगम सुयस ये सारे किसके हैं संस्कृत के जो ये 22 उपसर्ग आपको दिख रहे हैं ये 22 उपसर्ग किसके हैं संस्कृत के हैं और इसी प्रकार हिंदी में भी काफी उपसर्ग हैं। आज के हमारा क्या हो गया संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग आपको पता है जो शब्दांश शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता प्रकट कर देते हैं उनको क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं संस्कृत के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अवयव। तो आज हमारे कौन से हो गए संस्कृत के उपसर्ग हो गए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। थैंक यू।